हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर Limra Agency सब्सक्राइब करें। पार न हो। सुभान अल्लाह बेश। उम्मत का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, तेरा पूरा मजमा बोल दो तेरा बेड़ा। बाबा गुरु नानक जी ने कहा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जरा जोर से बोलिए मोहम्मद न होते। फरिश्ते यहाँ जितने लोग हैं सबका नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो मोहम्मद न होते कुछ भी न होता। मौला जो लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा, जरा लहरा के बोल दो मोहम्मद न होते कुछ भी न होता। और जोर से मोहम्मद न होते कुछ भी न होता। बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जिन्ना चरका करो चौगना था, दो मिलाओ पचकन करो काटो बीस बना, और नानक बचे तो नौ गुने कर दो उसमें और मिला, इस बदर के नोम से नामे मोहम्मद बना। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कर्मा पढ़ो नाने का तो स्वर्ग हुए कबूल, डेटा नूरे मोहम्मदी डेटा नबी रसूल, नानक कुदरत देखे सभी गयो भूल। ए सब सुभान अल्लाह। अगर किसी के पेट में दर्द हो हजरत के पास चले आइए और किसी के सर में दर्द हो हजरत के पास चले आइए। मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके एक आदमी को ठोक दीजिए, कभी बीमारे नहीं होंगे। का शफीकुल्ला ये छूक की बरकत नहीं है, ये कुरान की बरकत है। दुनिया में जितने भी धर्म है उन धर्मों की जितनी कलंकें हैं सारी किताबें बदल गई, लेकिन इस्लाम का कुरान जिसे अमेरिका बर्तानिया ने पूरी ताकत लगा दिया कि इस्लाम को मिटा डाले कुरान को मिटा डाले, और जब इस्लाम और कुरान को न मिटा सका तो मुसलमानों के साथ एक जुमला लगा दिया, जैसे ही दाढ़ी टोपी वालों को देखा कह दिया ये आतंकवाद है ये दहशतगर्द है, ट्रेन में चलो तो सब किया अच्छा है, रोड पे चलो तो सब किया अच्छा है, मार्केट में चलो तो सब किया अच्छा है, एयरपोर्ट में चलो तो सब किया अच्छा है। ओ बीबीपुर में आने वाले सुन्नी चंदपी मुसलमानों अगर कोई इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम जो इस्लाम जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहरा के बोल दो मजहब इस्लाम। कमजोर आवाज मुसलमानों की नहीं होती, अगर तुम्हारी गर्दन पे तलवार रख दी जाए फिर भी लहरा मुसलमान सीने के ताकत से बोलेगा, दोनों हाथ लहरा के मजहब इस्लाम जिंदाबाद, और जोर से मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम और कुरान की बात अजमत पर कुरान की अजमत की बात आ गई। अगर इजाजत हो तो एक तारीख सुना सुना, इजाजत है तैयार है। इस्लाम और कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन बर्तानिया। बर्तानिया के एक अस्पताल में दो लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, दो चार मिनट के फर्क पे एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, अब पता ही नहीं चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब बेटी जिसको दे लेने के लिए तैयार ही नहीं, बेटा हमारा। ऐसे भी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए और इमाम साहब पूछते बाबू खैरियत, बोलेगा मत पूछिए बहुत टेंशन में। अरे हुआ क्या, का हजरत सोचा कुछ और था हो गया कुछ और, अरे बताना क्या हुआ, का मत पूछिए बेटी, और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसबोरी रसमलाई पूरे महल्ले में बांटेगा। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है, का हजरत मालूम नहीं है बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूँ, ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों अगर तेरे घर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई बांटे बांटना लड्डू बांटे बांटना, पहले अपने इमाम को बुला लेना अपने गांव के उलमा को बुला लेना और इनसे दुआ करवा देना, जब दुआ करवा दोगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, तेरा बेटा मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्पताल में हंगामा, बेटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं, अब दो औरत लड़ाई करे अब पूरा मोहल्ला नहीं जमा हो तो ये भी कोई लड़ाई है। दोनों औरतें इतना चिल्लाने लगी बेटा 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 बेटा, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, पता ही नहीं चल रहा है। सारे डॉक्टर परेशान, दो चार मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर कहने लगे ये मुसलमान डॉक्टर तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, वाला रतबिन
हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया, इसलिए मुसलमान हमें कुरान से जवाब चाहिए। बेटा किसका है, बेटी किसकी है, कुरान से जवाब चाहिए, क्योंकि कुरान में कयामत तक की सारी चीजें मौजूद है। अब वो मुसलमान डॉक्टर था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एक हजरत के पास टेलीफोन किया, हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, आज हम ही को फंसा दिया है। का हुआ क्या, का कहां से दो लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, एक को बेटा एक को बेटी, पता ही नहीं चलता बेटा किसका है बेटी किसकी है। और इस डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। अली मेरा पानी कहते हैं घबराओ नहीं, अभी कुरान का मुताला करता हूँ। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली लिज़ाकरे मिस्लुहा फिलुनसियन लिज़ाकरे मिस्लुहा फिलुनसियन। हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। उलमा हाजिर है, मुफ्तियाने किराम हाजिर है। अगर आपके माँ बाप मर जाए और जाइए दौलत बंटवाने के लिए तो आदिम साहब का जवाब होगा हर बेटी के बदले, हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को एक गुना दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। का जवाब मिल गया, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बुलाओ। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए, अली मेरा पानी पहुंचे हैं। का हजरत कुरान से जवाब चाहिए, बेटा किसका है बेटी किसकी है। अली मेरा पानी का दे हाँ जवाब देता हूँ। का बताइए, हमारे कुरान में लिखा है करे मिसलो फिलुनसियन हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारे समाज में अगर माँ बाप मर जाए तो इस्लाम का कानून है हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को ये गुना दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर मुस्कुराने लगे। ये तो मीरास का मसला है, ये तो दौलत बंटवाने का मसला है, यहाँ तो पहचानने का मसला है। अली मेरा पानी कहते हैं मेरी राय ये है, मेरी राय ये है कि दोनों औरों के छाती से दूध निकलवाओ और दूध को टेस्ट करवाओ। जिसके दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है, जिसके दूध में एक गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट करवाया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में एक गुना ताकत। बेटा उसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान कैसे जास को देखा तो अली मेरा पानी के कदमों पे गिर के कहने लगा, जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली का इमाम पुकार उठे सबसे आला वाला। इतनी कमजोर आवाज सुन्नियों की नहीं होती, यहाँ से लेकर वहां तक जो लोग सो गए हैं जरा उसको कान में कह दीजिए सुभान अल्लाह, नहीं तो कल सुबह सुबह उठ के ये नहीं कह दे कि हजरत लोग आए, कह दिया कि सूद खाना आराम है तो समझ ले दूध ही खाना आराम। इसलिए जगा दीजिए पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के सबसे आला वाला हमारा नबी। जितनी आवाज है अपने नबी को पुकारे दोनों हाथ लहरा के सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने के मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब लोग कलमा पढ़ लिए, इतना पवित्र कलमा है जिसके तहत सारी बातें हो गई। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा, पूरा मजमा। हमारी माँ बहन ने भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूल। इतने देर सुभान अल्लाह कहलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाया, या रसूल अल्लाह कहलवाया, इसे घाटा समझ में आ रहा, फायदा समझ में आ रहा, जोर से बोलिए। इसलिए कि दिल का ऐवान जब 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 दिल का ऐवान जब जागे मगाने लगे, जब जगे मगाने लगे समझो सरकार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नाम है फैजाने औलिया, क्या नाम है? अगर इजाजत हो तो एक तारीख सुना दो। बड़े अच्छे नौजवान लोग बैठे, गर्मी काफी है, ऐसे भी नौजवान की शादी नहीं है तो मस्जिद पकड़ लेते। अल्लाह अल्लाह
और उससे भी शादी नहीं हो तो बम्बे दिल्ली भाग जाए। और आजकल मॉडल नौजवान मॉडल मिजाज लेटेस्ट मिजाज नौजवान है। और अगर शादी हो और पहली रात जाए और बीबी कहीं धोखे से पूछ दे मेरे शौहर नामदार पढ़े लिखे हो, आज का नौजवान समझेगा लड़की ठीक नहीं मिली। ये पहली ही रात हमारा सर्टिफिकेट चेक कर रही ऐसे भी अपने हिंदुस्तान में जिंदगी भर तलाक देते रहो कोई तलाक नहीं। ये हिंदुस्तान का कानून है, जेल में भी रहो तलाक भी नहीं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों दुनिया को बता दो ये तलाक का कानून किसी दुनियादार का कानून नहीं है। अरे हिंदुस्तान का कानून तो बदला जा सकता है लेकिन कुरान का कानून नहीं बदला जा सकता। नौजवान तलाक दे के भगा दे लगता लड़की ठीक नहीं मिली। एक बात एक तारीख सुनाता हूँ। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई बिल्कुल अनपढ़ से। पहली रात पहुंचे बीबी मुस्कुरा के पूछती है मेरे शौहर इनामदार मैं हाफिज कुरान हूँ आप पढ़े लिखे हैं? था ही नहीं चुप। बोला नाना बताइए ना हम हाफिज कुरान है आप पढ़े लिख के? चुप। बोला नाना बताइए ना हम हाफिज कुरान है आप पढ़े लिख के? चुप। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठा ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ डंडे बना के लाऊंगा बीबी को बहुत मारूंगा। ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ गांव समाज के लोगों को जमा करूंगा तलाक दे दूंगा, बल्कि ये सोच के उठा कि जब मेरी बीवी ने मुझसे सवाल कर ही दिया है तो जब तक के मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। कुरान बनने के लिए पहुंचे हजरत हमको हाफिज बनना है बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? कहा कितने दिन में? कहा चार साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई चार साल यही बिता दे कहीं और चलते हैं। किसी और मदरसा में गया कहा हजरत हमको हाफिज बनना है बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? कहा कितने दिन में? कहा बहुत मेहनत करोगे तो 3 साल में। सोचा ये भी बहुत लंबा समय है। इसी टेंशन में जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हो गई। कहा बेटा बहुत परेशान लग रहा है। कहा हजरत हमको हाफिज बनना है कोई 4 साल बता रहा है कोई 3 साल बता रहा है। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते हैं फरमाते घबराओ नहीं मेरे मदरसे में चलो मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। हे बाबू क्या हो गया? ठीक से बैठो पलथा मार के बैठो। आओ मेंढक इतना घबरा गए मेंढक से घबराए नहीं तो जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत कोई 3 साल कोई 4 साल बता रहा है। इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते हैं फरमाते घबराओ नहीं मेरे मदरसे में चलो मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। जल्दी से गया कुर्ता पैजामा टोपी लगाया। रास्ते में सोच रहा यार बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात हो गई 4 साल से 3 साल 3 साल से डायरेक्ट 1 साल लगता है सिफारिश करूंगा तो कुछ कम हो जाएगा। पहुंचा का हुजूर हम तो 1 साल में तैयार ही है लेकिन नहीं नहीं शादी हुई है मेहरबानी करके थोड़ा कम कर देते तो अच्छा होता। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते फरमाते कम दिने बनना चाहते? कहा हाँ। कहा चलो हम तुझे 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिने बनना चाहते? कहा हाँ। कहा चलो तुम्हें 3 महीना में हाफिज कुरान बना दूंगा। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा चलो 1 महीना में हाफिज कुरान बना दो। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा हां। कहा चलो तुझे हम 15 दिन में हाफिज कुरान बना देंगे। सुभान अल्लाह। दिल में सोचा एक बार कहूंगा पूरा काम हो जाएगा। कहा हजरत कहना तो नहीं चाहिए शर्म आ रही है लेकिन थोड़ा और कम कर दीजिए थोड़ा और कम कर दीजिए। हजरत इस्माइल मुल्तानी वस्त में आ गए फरमाया नौजवान और कम दिने बनना चाहता? कहा हाँ हुजूर और कम दिने बनना चाहता। कहा घबराओ नहीं जाओ मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दो कि जिसे हाफिज कुरान बनना है हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। नारे तकबीर नारे रिसालत एजाज़े कुरान फैजाने औलियाए किराम अल्लामा शफीकुल्ला चतुर्वेदी
बाबा माशाल्लाह। आज अब वो नौजवान इधर गया, उधर ऐलान किया, रास्ते भर ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई। वो नौजवान भी दाएं जानिब जाके खड़ा हो गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत पे पहुंचे हैं, नियत बाकी है, पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब सारी कुरान हो गए। बीबीपुर के मुसलमानों, सब नबी के गुलामों के गुलाम, हजरत इस्माइल मुल्तानी के पावर का कोई जवाब नहीं है तो मेरे नबी के पावर का क्या आलम होगा। किसी दीवाना ने कहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। जोर से बोल दो मुख्तार का आलम, और जोर से मुख्तार का आलम। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, घर वाले बोल दिए सुभान अल्लाह। बेदार हो जाइए, आखिरी वक्त है। कितने लोग रमजान का रोजा नहीं रखे, जरा हाथ उठाओ। इतने लोग नहीं रखे, ऐसे भी रमजान में आज कितने नौजवान लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी, बर्दाश्त ही नहीं होता। इतना बोलो कि दीवाना कह दे ये कोई और नहीं बैठा है, नबी का वफादार बैठा है। पूरा मजमा दोनों हाथ धरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, जब तक मैं हाथ न गिराऊं कोई नहीं गिराए, ताकि देख लो या अल्लाह जो लोग अभी तक नहीं हाथ उठाए उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। मेरे लिए नहीं, मौला तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठा रहे हैं। मौला तमाम की मगफिरत फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा। तेरा लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह हमारे नौजवान ठीक हो जाए तो इस्लाम को कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप पूरे ईमानदारी से बताइए, अभी मैंने एक जुमला कहा था ना, आज कह दो नौजवानों को दाढ़ी रखो तो जलसों में आना बंद कर देते। पूरे ईमानदारी से बताओ, ट्रेन में किसको चेक किया जाता, एयरपोर्ट पे किससे लोग घबराते। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये चेक वो चेक, देखा चेहरा मो कहीं और जगह से नहीं आया। गौर करो मुसलमानों, जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी रख ले तो उसे चेक नहीं किया जाएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा उस नाम का परचम लहराता चला जाएगा। जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, नबी की मोहब्बत में लहरा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और हम लोग तो बुजुर्ग, और ये हिंदुस्तान तो मदीनतुल औलिया है। आपने मथुरा का नाम सुना है कि नहीं? मथुरा का हमारे नेपाल में, आपके हिंदुस्तान यूपी में। मथुरा एक जमाने में निरा कुफ्रिस्तान, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं। एक मतलब मैं मथुरा स्टेशन पे पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आई, मैं मचल गया, वारे इस्लाम तू कहां कहां नहीं पहुंचा। मथुरा में एक दूध की मार्केटिंग है, सारे दुकानदार लोग दूध बेचते हैं। एक फकीर सिफत इंसान, आज देखो ना हजरत मुजर्रा शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने सब यहां बैठे हैं। गर्मी लग रही है फिर भी बैठे हैं, पसीना छूट रहा है फिर भी बैठे हैं, गर्मी से तबीयत घबरा रही है फिर भी बैठे हैं। इन दीवानों से पूछो क्यों बैठे हो तो इन दीवानों का जवाब होगा, इधर उलमा का चेहरा है, दिलों में बुजुर्गों का इश्क है, जो दीवाना होता है वही जन्नत का हकदार होता है। सुभान अल्लाह। दीवाना अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। पहुंचा मार्केट में, देखा दुकानदार लोग दूध बेच रहे हैं। दुकानदार में से एक दुकान वाले के पास गए, कहा भाई साहब दूध चाहिए पीने के लिए, भूख लगी है। चेहरा मोरा देखा, गले अबे दूध चाहिए का जाना, अबे दूध चाहिए का जाना, का दूध चाहिए का जाना, मैं दूध मांग रिया हूं, का दूध चाहिए कहां, का देखो सामने पत्थर की गाय बनी है उसी से दूध ले लो।
वो दीवाने ने कहा कैसी बात कर दे हो, वो पत्थर की गाय है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, अपने जिस्म से मक्की नहीं उड़ा सकती है तो दूध कैसे दे सकती है। तो उस जमाने के काफिर ने कहा था, ये आने वाला तेरा चेहरा बता रहा है कि तू मुसलमान लग रहा है, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू मुसलमान है और तू हिंदुस्तान में है और तुझे मालूम नहीं है। अरे जो गरीब नवाज, गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में पूरे आना सागर को समा सकते हैं, तो हमें भी विश्वास है जो काजा का दीवाना होगा वो पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसल के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीने में दम लगा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तानी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान। हमें यार अभी भी तो हाथ उठाओ, लोग आपको हिंदुस्तान से भगाना चाहते, बोलो हम चले जाएंगे, शर्त है पहले मेरे ख्वाजा को पहुंचाने के लिए। अबे जब ख्वाजा ऊंटनी को बैठा दे तो पृथ्वी चौहान की पूरी फौज उस ऊंटनी को उठा ना सके, तो जिस मुसलमान को ख्वाजा ने बचाया है, जब तक के ख्वाजा रहेंगे ख्वाजा का दीवाना भी रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथ लहरा के ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।